एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टी बंद करने का ऐलान किया है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूलों में महापुरुषों के नाम पर छुट्टी के बजाय महापुरुषों पर कार्यक्रम हो जिसमें बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताया जाए। योगी आदित्यनाथ ने दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छुआछूत के नाम पर भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया है। छुआछूत के नाम पर कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। अंबेडकर के मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है और महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां बंद करके बच्चों को स्कूल में महापुरुषों के बारे में बताया जाना चाहिए, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और महापुरुषों पर कार्यक्रम उस दिन आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उन महापुरुषों के बारे में स्कूलों के बच्चों को जानकारी हो सके और उनके आदर्शों पर उनके किए गए कार्यों का अनुसरण बच्चे कर सके। अक्सर इस बात को देखते थे कि अगर किसी गरीब को किसी दलित को सरकार की किसी योजना से लाभान्वित करना होता था, हम अगर उसको 1,000 रुपए का चेक देते थे, उसके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं होता था, वह मारे मारे फिरता था, उसको अपमानित होना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 0 बैलेंस पर खाता खुलेंगे। 25 करोड़ इस देश के दलितों गरीबों के खाते एक साथ खुलने जनधन योजना के अंदर प्रारंभ हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वो सपना कहीं ना कहीं इन उद्यमियों इस प्रकार के महानुभावों को विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले इन महानुभावों के सम्मान के साथ हम इस बात को देख सकते हैं कि सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें प्रसन्नता है आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक भीम ऐप का भी शुभारंभ किया जा रहा है। बाबू साहेब का दफ्तर अब भी गंदा है, यह हम आपको बताएंगे। बस अब से कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।